से डायग्राम ये कितना है किरणें ओए ओबी ओसी एंड ओडी ये क्या एक अंत बिंदु ओ है वो यदि सिद्ध करना ए ओबी प्लस डी ओसी प्लस सी ओबी प्लस डी ओए प्लस ई ओए इक्वल टू 360 डिग्री हमको ये प्रूव करना है। देखिए हमें यहाँ दिया, हम यहाँ पे रचना कर लेंगे कि हम ओए के विपरीत किरण एक्स खींच लेंगे, क्या लिखेंगे ओ एक्स खींच लेंगे, क्या लिखेंगे ओए के विपरीत किरण ओ एक्स खींच। जब मैं ये किरण के लिए चूंकी ओ एक्स कैसे लिखा है एक सरल रेखा, ओ एक्स का भी कैसे लिखा है सरल रेखा। जब ए ओ एक्स आपकी एक सरल रेखा होगी तो यहाँ पर तीन कोण बन गए, तीनों पर 180 है, तो वही इस तरीके से कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी यू एक्स बराबर 180 डिग्री समीकरण नंबर एक, और कोण ऐसे नीचे आ जाएंगे कोण एक्स ओ डी प्लस कोण डी ओ ई प्लस कोण डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू नंबर सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर सी ओ एक्स तो 360 हो जाएगा। देखिए ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी ये जुड़ के आपका बन जाएगा एंगल सी ओ डी। देखिए दोनों मुझे जोड़ लेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए इक्वल टू आपका क्या है 360 डिग्री लिखेंगे इसी सिद्धांत। तो इस तरीके से सिद्ध होगा, आप देखते हैं ए ओ एक्स रेखा के ऊपर तीन कोण बन रहे हैं नीचे तीन कोण बन रहे हैं दोनों का योग 180 होगा, समीकरण एक दो को जोड़ देंगे सी ओ एक्स और एक्स ओ डी मिल गया आपका सी ओ डी बन जाएगा। तो जो आपका स्टेटमेंट प्रूव करना था वो आपका आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रक्षेप करती ए बी और सी डी बिंदु बी से त्रिकोण बी ओ ई बी ओ ई आपका 70 अंश है और जो आपका बी ओ डी है ये आपका 40 अंश है, तो हमें कोण बी ओ ई बताना है और हमको सी ओ ई बताना है। देखिए भाई छोटी सी ओ डी कैसी रेखा है एक सरल रेखा, तो देखिए कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश, सो कोण सी ओ ई बी ओ ई का मान 70 है, बी ओ ई का मान आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग को बी ओ ई निकालना होगा, ए ओ सी ए ओ सी का भी मान आपको अभी नहीं हमको यहाँ पर दिया है ये भी हमें निकालना पड़ेगा तो ये आराम से निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखें क्या ए ओ बी एक सरल रेखा है क्योंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश, इन दोनों कोणों का जो क्वेश्चन 70 अंश दिया गया है तो कोण सी ओ ई आपको कितना है 180 अंश, कोण सी ओ ई बराबर आप करेगा 110 अंश, सी ओ ई का मान आपको कितना आ गया 110 अंश आ गया, सी ओ ई कितना आ गया आपका 110 अंश आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको मान रखना था तो आपका सी ओ ई तो आपको कितने अंश आ गया 110 अंश, आपने सी ओ ई फाइंड कर लिया कैसे फाइंड कर लिया ए ओ सी उसका मान 110 था तो आपका सी ओ ई तो 110 आ गया। अब आपको यहाँ पे बी ओ ई निकालना था तो बी ओ ई आप निकाल लेते आपके 110 अंश है ये आपका पता नहीं आपको बी ओ ई और आपका बी ओ डी भी आपको 40 अंश दिया है 180 अंश, तो कोण बी ओ ई बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 150 तो कोण बी ओ ई आपको कितना आ गया 30 अंश आ गया जो कि आपको ज्ञात करना था। फिर
फिर आपके साथ प्रतिवर्ती सी ओई, प्रतिवर्ती सी ओई आप कैसे निकालेंगे, 360 माइनस कोण सी ओई कर देंगे तो 210 है, 250 हजार प्रवर्तित सी ओ ई भी निकल आएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है ए ओ बी सरल देखा तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई, इस कोण का इस कोण के तीनों कोणों का योग 80 होगा, हमें ए ओ सी और सी ओ ई का योग 70 देगा तो सी ओ ई 110 आ गया। अब इन तीनों कोणों का योग 180 है, दो हमको पहले तीसरा हमने 30 निकाल लिया, अब प्रतिवर्ती निकालेगा ए सी ओ ई का तो 360 से घटाएंगे तो प्रतिवर्ती फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में काटने दो सरल रेखाएं एम एन तथा एक्स वाई दूसरे को बिंदु O पर काटती है, यदि पी ओ वाई 90 डिग्री होती है अनुपात की तो अनुपात की में तो कौन सी का मान बताइए। तो देखिए मान लेंगे ए बराबर 2 और बी बराबर ने क्या मान लेते हैं, ये मान लीजिए हमने क्या कर दिया सर, मान लिया क्योंकि मेरा रेशियो दिया गया है। तो देखिए कौन पी ओ वाई प्लस कौन पी ओ एम प्लस कोण एम ओ वाई बराबर 180 है, सॉरी एक्स है एक्स है। अब देखिए यहाँ पे ए या 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, अब यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 2k प्लस 3k बराबर 180 अंश आ गया, 5k बराबर 90 तो k बराबर आपका 18, वैसे से k का मान क्या है 18 तो a बराबर 2 × 18 आप कर देंगे 36 आ जाएगा, और इसी तरीके से बी निकालेंगे 3 × 18 54 आ गया। इस तरह से आपने क्या किया ए और बी का मान निकाला। अब चूंकि एम ओ एन एक कैसी रेखा आपकी सरल रेखा है, एम ओ एन कैसी रेखा है सरल रेखा है, तो बी प्लस सी आपका क्या होगा 180 हो जाएगा सरल रेखा से, यहाँ पे मान लेंगे क्योंकि 54 प्लस सी बराबर 180 तो सी बराबर आपका क्या आ जाएगा 126 अंश आ गया। इस तरह से आपने क्या देखा सी का मान 126 अंश प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपने सी का मान निकाली 126 अंश प्राप्त हो गया। भाई ए प्लस बी प्लस 90 करके आपने ए बी का मान निकाल लिया, ए और बी रेशियो माना था 2k प्लस 3k, के की वैल्यू आ गई तो हमारा ए बी आ गया, फिर आपको पता बी प्लस 180 अंश होता तो हमारा सी का मान भी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू हो तो सिद्ध करो कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी आपका होगा, ये सिद्ध करना। देखें क्योंकि एस क्यू आर टी एक सरल रेखा है इसलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक, और कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर टी बराबर भी आप 180 मान लेंगे समीकरण नंबर दो। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, समीकरण एक और दो की जब तुलना करेंगे लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से, देखें दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि आपको यहाँ पर दिया पी क्यू एस जो है वो आपका कोण पी आर टी के बराबर है, तो पी क्यू एस पी आर टी के बराबर था इसलिए एंगल सॉरी हमें दिया गया पी क्यू आर जो है वो आपका बराबर है पी आर क्यू के, इसलिए आपका क्या हो जाएगा पी क्यू एस जो है वो आपका कोण पी आर टी के बराबर हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पी क्यू आर है ये आपका बराबर दिया गया पी आर क्यू के, तो पूछा हुआ इससे अपने आप कर देंगे बराबर कर देंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। देखिए पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, किरण ओ आर तथा ओ पी पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और आर के बीच ओ एस एक अनिकिरण है, तो हमें सिद्ध करना आर ओ एस बराबर होना पॉइंट टू एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमको क्या करना प्रूव करना है। देखिए चूंकि ओ पी लंब किसते ओ आर पे इसलिए कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू आर होगा दोनों 90 अंश होंगे, यानी पी ओ आर और क्यू आर दोनों आपके कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। अब देखिए आपको सबसे पहले आप बताएंगे एंगल क्यू ओ एस क्यू ओ एस क्यू ओ एस इसका 90 प्लस
एंगल आर ओ एस। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री माइनस सॉरी क्यू एस माइनस एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ये क्या करेंगे इसको यहाँ लेंगे 90 डिग्री, पूरा प्रश्न नहीं यहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर एक मान लेंगे। इसी टाइप से आप लोग लेंगे एंगल पी ओ एस, एंगल आप लोग पी एस लेंगे, इसको क्या लिख देंगे पूरा ये 90 आपका 90 माइनस एंगल पी ओ एस सॉरी आर ओ एस कर देंगे। आर ओ एस को हम लोग इधर लेंगे आर ओ एस बराबर 90 माइनस एंगल पी ओ एस कर देंगे समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे समीकरण एक और दो को जोड़ लेंगे, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर जब उसको जोड़ेंगे तो आर ओ एस आर ओ एस जोड़ के आपका टू आर एस हो जाएगा बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा। 90 से 90 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एंगल आर ओ एस बराबर आपका हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया प्रूव हो गया। फिर से देख लीजिए ये फॉर्मूला 90 है, तो अगर हम एंगल क्यू एस में 90 घटा देंगे तो हमारा पहले ही अगर फिर से आर ओ एस बराबर क्यू एस माइनस 90 हो गया, और दूसरे में हमें फिर से अगर हम 90 में आर ओ एस घटा दें तो हमारा एंगल कौन सा आ जाएगा पी ओ एस आ जाएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो हमारा एंगल 2 एंगल आर ओ एस बराबर 2 एंगल क्यू एस माइनस 2 पी एस होगा, ये हमारा दो भाग में चला जाएगा और इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट है। जो प्रॉब्लम आपने गूगल मीट क्लास से पूछिएगा जो भी समझ नहीं आता। ओके थैंक यू गुड डे। We'll be right back.